गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है हमारा वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। इसमें जितने भी टॉपिक्स थे, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है बच्चे। अब अच्छा, इसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने अपने सारे कवर अप कर लिए थे। अभी जो हम वो हम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चे, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक न्यूमेरिकल है, उसमें आपको पूछा गया है, देखिए न्यूमेरिकल है जिसमें आपको दिया हुआ है एक बॉडी है, उसका वेट कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, उसका आपको मास दिया हुआ 40 kg, ठीक है। और वो एक जंप लगाता है, ठीक है, जंप करता है वो, कितना आप उसका हाइट रख लो, कितनी हाइट पे जंप लगाता है, वो लगाता है 1.5 meter पे, ठीक है। अब बच्चे, इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाइएस्ट, जितना वो जंप लगा रहा है ना, तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उस पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। जब मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी पढ़ाया था तो उसमें आपने देखा था कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी होती है आपकी, 0 होती है, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्होंने आपको दिया हुआ है 10 meter per second सॉरी स्क्वेयर, ठीक है। तो आपने निकालना है काइनेटिक एनर्जी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। अब आपको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी रहती है वो 0 होती है, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 mv2। यहाँ पे आप 1/2 मास की वैल्यू 40 करोगे, वेलोसिटी इज 0, किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। तो मतलब यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाईएस्ट पॉइंट पे वो कितनी है आपकी, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी के साथ क्वेश्चन है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे। अब देखो, हमने क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी इक्वल होती है किसके, m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। m इज मास, g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज हाइट 1.5। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 600 joule, 600 joule, ठीक है। जूल आपको पता है ऐसे यूनिट है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये आया कि पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी आई, कितनी एनर्जी, कितना पोटेंशियल एनर्जी वो आई आपकी बच्चे 600 joule, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज पोजेस्ड। उन्होंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई है और अब हमने उन्हें बताना है कि कौन से टाइप की एनर्जी जो है वो है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट उन्होंने दिया है स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिंग, ठीक है, जो आपकी गुलेल होती है ना, उसी की बात कर रहे हैं ये, कि उसमें जो एक स्ट्रेच्ड जो रबर स्ट्रिंग लगी होती है उसमें कौन सी एनर्जी होती है। अब आपको पता है वो रबर स्ट्रिंग है, जब आप उसको स्ट्रेच करते हो तो उसकी क्या पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन चेंज होगी। तो आपको पता है जब पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन जब चेंज होती है तो उस टाइम कौन सी एनर्जी स्टोर हुई होती है, कौन सी होती है उस टाइम बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होती है, ठीक है, ये भी हमने देखा था। फिर आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि जब आप एक पीस ऑफ स्टोन लोगे, ठीक है, आपने इसमें एक स्टोन रखा है, जब आपने उसको पहले स्ट्रेच किया फिर आपने उसको रिलीज़ किया, तो क्या हुआ, उसमें कौन सी एनर्जी है, उसमें
दोनों एनर्जी प्रेजेंट होंगी, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी पोजीशन भी चेंज हुई, पोजीशन के साथ साथ प्लस वो क्या कर रहा है, मोशन में भी है। तो पोजीशन प्लस मोशन क्या होता है आपका, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वेट लिफ्टर है, वो वेट लिफ्ट करते हैं 200 किलो का, कितनी हाइट पे, 2 मीटर की हाइट पे, और उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपको दिया हुआ है। फिर उन्होंने कहा है कि एक तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो उस एक्वायर्ड बाय द वेट, और वर्क डन कितना किया वेट लिफ्टर ने वो करो। ठीक है, अब देखो गिवन क्या दिया हुआ है आपको, गिवन बच्चे आपको दिया हुआ मास, ये वही न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड की हुई है, उन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मास आपको दिया हुआ 200, हाइट बच्चे आपको दी हुई है 2 मीटर। ठीक है, एंड जी इज योर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कैलकुलेट हमें करना है पोटेंशियल एनर्जी, एंड वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एम इंटू जी इंटू एच। क्लियर, योर एम इज 200 इंटू 9.8 इंटू एच। ठीक है, तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 3920 जूल। क्या है इसमें, क्या बताया मैंने कि आपको इसमें मास दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालने के लिए कहा है, तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका एम इंटू जी इंटू एच, 200 इंटू 9.8 इंटू 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला जो है एम इंटू जी इंटू एच, जब हम वर्क डन में अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन निकालते थे जब हम वर्क डन निकालते थे अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसमें भी क्या था, यही फॉर्मूला था हमारा, है ना, एम इंटू जी इंटू एच। क्योंकि उसने अब वेट लिफ्टर ने वेट उठाया, नीचे से वेट उठाया ना, ग्राउंड से, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी वो वेट उठा रहा है, तो आपका वर्क डन कितना हो रहा है, एम इंटू जी इंटू एच। ठीक है, तो यही आपको किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द वेट। सो इसका आपका जो वर्क डन होगा वो सेम फॉर्मूला है, तो सेम ही आंसर होगा, दैट इज 3920 जूल आंसर। क्लियर, क्यों ये फॉर्मूला लगा, क्योंकि आपका जो वेट था पहले यहाँ था, ठीक है, यहाँ पड़ा हुआ था, उसने उठा के कहाँ लिया, यहाँ पे, यहाँ, ये चीज़ क्या है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं ना, तो इसलिए वहाँ पे जो वर्क डन होगा वो एम इंटू जी इंटू एच होगा। चलिए, तो नेक्स्ट आपका डिफाइन द टर्म एनर्जी ऑफ ए बॉडी एंड व्हाट इज द एसए यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा, एनर्जी क्या होती है, कि ताकत किसी भी काम को करने के लिए आपकी बॉडी में कितनी ताकत होनी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है आपकी, उसकी डेफिनेशन, एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी, और यू कैन से दैट द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ doing work is called energy। ठीक है, काम करने की जितनी भी आपके अंदर क्षमता होती है उसको आप कहते हो energy। तो इसका ऐसे यूनिट हमने पढ़ा था, ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी आपकी क्या थी, ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी था बच्चे आपकी क्या, जूल। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी का सेम ऐसे यूनिट था। अब आपको पूछ रहे हैं वो कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म थी, ये भी हमने देखी थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती है, चलिए सबसे पहले होती है आपकी
जो आपने पढ़ी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दूसरी है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपकी न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, और बच्चे और कौन सी होती, केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी के बाद आपकी हीट एनर्जी होती है ना, बहुत सारी एनर्जीज होती है, ठीक है, हाँ, और एक होती है आपकी साउंड एनर्जी, ठीक है, साउंड भी एक एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी, ये सभी क्या है आपकी, एक और लिख लो बच्चे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ये सभी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, जिसमें आपके सिलेबस में जो आपको मेंशन है कि आपको अभी कौन सी पढ़नी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, बाकी जो है ये आप अपने नेक्स्ट उसमें पढ़ोगे, ठीक है, हायर क्लासेस में कुछ आपने पढ़ी भी होंगी बीच में, साउंड का चैप्टर अगर आपका है तो उसमें साउंड में आपने पढ़ी होगी साउंड एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, टू बॉडीज हैविंग इक्वल मासेस आर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड वी एंड टू वी, सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। चलो अच्छा, आपको दो बॉडीज दी हुई है, ठीक है, कि उनका मास कह रहे हैं इक्वल है, फॉर एग्जांपल दो बॉडीज है, एक ये है और एक ये है, टू बॉडीज है, ठीक है, मास उनका सेम है m, क्लियर, और वो इक्वल वेलोसिटी से क्या कर रही हैं, सॉरी यूनिफॉर्म मतलब एक ही जैसी स्पीड से मूव कर रही हैं विद वेलोसिटी v एंड 2v, ठीक है, मतलब फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है v और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी है 2v। तो अब ये कह रहे हैं कि आपको रेशियो निकालनी है उनकी काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। अब देखो, जब मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगी किसकी, फर्स्ट की, वो होगी मेरी 1/2 mv2। अब v क्या है मेरा, यहाँ पे v1, ठीक है, 1/2 mv1 square। इसी तरह अगर मैं सेकंड वाले की काइनेटिक एनर्जी निकालती हूँ, वो होगी 1/2 mv square, ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका, वन बाय टू एम वी टू स्क्वेयर, क्लियर। अब जब हम, आप देखोगे ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वी टू जो है वो बराबर है आपका 2v के, देखो ये जो है 1/2 mv square आ जाएगा इसका, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 mv2, किसके बराबर है, v2 आपका बराबर है 2v के, 2v square, ये बन जाएगा आपका 4v square, 1/2 mv square। अब देखो इसमें क्या होगा, 1/2 m कैंसिल, 1/2 m कैंसिल, v square कैंसिल, सिर्फ क्या बचा 4, हमने क्या निकालना है, हमने आपकी निकालनी है रेशो, तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी 1/ काइनेटिक एनर्जी 2 किसके बराबर होगा, 1/4, तो ये कितना रेशो बन जाएगा, 1:4। एक बार मैं फिर आपको ये समझा देती हूँ, रुको, कि आपको एक बॉडी दी हुई है, दो बॉडीज दी हुई हैं जिनका मास आपका बिल्कुल सेम है, मास सेम होने की वजह से उनकी जो वेलोसिटी है वो दी हुई है v1 and 2v, क्लियर, v1 and 2v जब उन्होंने उसकी वेलोसिटी आपको दी हुई है, तो आपने क्या करना है कि v1 and v2 की वैल्यू उसमें पुट कर देनी, किसमें, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, ठीक है। चलिए एक बार फिर से करके देखते हैं, मास फर्स्ट का m है,
सेकंड का भी क्या है बच्चे, एम दिया हुआ है, ठीक है।